सहारा इंडिया कंपनी के सैकड़ों एजेंट ने आज कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बालोद जिला संयुक्त कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा और कंपनी में जमा कराए गए उपभोक्ताओं के पैसे को वापस दिलाने की मांग की गई है। एजेंटों ने बताया कि उन्हें पिछले 7-8 वर्षों से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उपभोक्ता और एजेंटों के बीच तकरार बढ़ी है। पैसे नहीं होने से कई परिवार की शादी रुक गई है। सहारा इंडिया का सेबी के साथ केस चल रहा है और हाउसिंग डिवीजन का मामला है, जिसका बहाना करके कंपनी और सहारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी का भुगतान नहीं कर रही है। एजेंटों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनांदगांव में FIR हुई तो वहां कंपनी ने 15 करोड़ का भुगतान किया और जहां कार्रवाई नहीं हो रही है वहां पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम सब सहारा इंडिया कार्यकर्ता हैं जो पिछले 15 साल 20 साल 25 साल से इसमें काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी द्वारा पिछले 7-8 वर्षों से हमको भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे सभी जमाकर्ता अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, बीमार लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और इस सब परेशानियों के कारण हम सब अभिकर्ताओं का जो जीवन है वो बहुत संघर्षपूर्ण हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इसमें माध्यम है, हमारे माध्यम से पैसा जमा किया गया है, तो आज उनको भुगतान नहीं होने से जमाकर्ताओं के साथ हम लोग का जो व्यवहार है उसमें खटास आती जा रही है और हम सबका जीना दुर्भर हो गया है। सहारा इंडिया कंपनी का जो केस चल रहा है सेबी के साथ, वो सहारा रियल इस्टेट और हाउसिंग डिवीज़न का केस है, लेकिन कंपनी उस केस का बहाना करके आज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसमें हमारा भुगतान रुका हुआ है, उसका भी पेमेंट नहीं कर रही है। सहारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में हमारा भुगतान रुका हुआ है, उसका भी वो पेमेंट नहीं कर रही है। और यही सब मांग को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से एसपी साहब से मिलने आए थे, अपनी मांग हम लोगों ने रख दी है और हमारी परेशानियों से उनको अवगत करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।